पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन में आज अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी गई। बता दें कि ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर युद्ध के लिए खास तकनीकी से तैयार किए गए हैं। इससे दुश्मनों के पूरी तरह दांत खट्टे किए जा सकते हैं। इसमें एक खासियत ये भी है कि अगर मौसम खराब भी हो जाता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह लगातार युद्ध लड़ सकता है। इसमें ऐसी कई खास तकनीकें जिससे युद्ध के समय इसका दुश्मनों को पता ही नहीं चलेगा कि कब यह दुश्मनों पर टूट पड़ा। आज इस अपाचे हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स के सुपुर्द करने के लिए खास तौर पर एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पहुंचे। दूसरी ओर एएस भटोला एयर मार्शल एकेडमी कमांडर ने मीडिया को इस अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में कई तरह की जानकारी दी। ऊपर का बात ये ऐसा है, मोबाइल पीछे थोड़ा नीला बंद है। अभी तक ये एक सबसे पोटेंट और कैपेबल प्लेटफॉर्म है जो इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जैसे मैं बोल रहा था, ये प्लेटफॉर्म 1985 से फ्लाई कर रहा है। 18 कंट्री से ज़्यादा में कर रहे हैं, करीब 2200 मशीन फ्लाई कर रही हैं। और इतने सारे वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट जो आपने पढ़े होंगे उसमें इन्होंने इस मशीन का पार्ट लिया है और बहुत सक्सेसफुली पार्ट लिया है। तो आज नंबर एक तो ये Mi-35 को रिप्लेस कर रहा है इस कॉन में। नंबर दो, इसके सिस्टम्स और वेपन्स के साथ ये कैपेबिलिटी ऐड कर रहा है इंडियन एयरफोर्स में, सो दैट टुमारो अगर ज़रूरत पड़े वो कहीं भी था इस्तेमाल की जा सके। सर, सीमाओं पर काफ़ी तनाव है, ऐसे में कितना सक्षम रहेगा ये बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर है, इसमें कोई प्रश्न नहीं। यूज़ कैसे करना है वो तो समय की बात है। किस तरह की क्षमता है इसमें, क्या क्या है जो पूरा लेंगे? आपको इसमें एक बहुत ही मनोरेबल एयरक्राफ्ट है, पावर काफ़ी है इसकी। ऊपर से आपका अगर वेपन्स देखो, आपके पास 30 mm गन है, 70 mm रॉकेट्स हैं, स्टिंजर मिसाइल्स हैं, हेल्पर मिसाइल्स हैं। बाजू सेना की मौसम का ये ऑल वेदर है, ऑल वेदर एनी टाइम ऑफ द डे। जिस तरह से वायुसेना में शामिल हुआ है, कितनी बड़ी ताकत है वायुसेना के, जिसका जिस तरह डेफिनेटली मैंने बोला ये बहुत